बोलता संपूर्णा को रसोई और भंडार कक्ष दिखा दो। चल संपूर्णा दीदी, संभाल अपनी जिम्मेदारी। जाओ संपूर्णा। अनिरुद्ध, कम से कम विधवाओं के लिए जो संस्कार जरूरी होते हैं वो तो पूरे करके आने चाहिए थे। मालूम नहीं तुम्हें कि विधवा की छाया पड़ने से भी अमंगल होता है? अमंगल? काका, अमंगल तो संपूर्णा के साथ हुआ है ना, और विधवा बनने में उसका क्या दोष? पर तुम रसोई की चाबियां कैसे दे सकते हो एक विधवा को? घर की सबसे शुद्ध जगह होती है रसोई। अब एक भी अशुद्धि भरा निवाला उतरेगा क्या हमारे हलक से नीचे? ये देख दीदी, इतनी बड़ी रसोई है हमारे घर में। ये देख, ये है चूल्हा चौका। और दीदी, और ये है भंडार कक्ष की चाबियां। अब तू ही संभालिए दीदी, मुझसे तो नहीं संभलता। अब छोटी सी बोनबिता पढ़ाई करे या घर के काम? क्या करूं, थक जाते हैं बेचारी बोनबिता। छोटी सी जान, कितने काम। अब तू ही संभाल दीदी। मैं सामान देख लूं? हाँ दीदी, देखना। मैं तो बहुत थक गई हूँ। संपूर्णा दीदी जल्दी से सब कुछ संभाल ले तो शायद दीदी का मन अच्छा हो जाए और वो पहले की तरह मुस्कुराने लगे। काका, बोंदता संपूर्णा को दिन भर घर के कामों में व्यस्त रखेगी, और ये तो बस शुरुआत भर है। आगे मैं और बोंदता संपूर्णा के लिए और भी बहुत कुछ करने वाले हैं। बहुत कुछ करने वाले? हाँ, मतलब अब और क्या करने वाली हो? अब और क्या करना बाकी रह गया? पहले ही इतने सारे रीति रिवाजों का गला घोट दिया तुमने। ना उसके संपूर्णा के बाल कटे दिए, फिर उसे रसोई घर में भेज दिया। अरे हमारे मंदिर जैसे घर में, पूरे घर में इधर उधर अपने अशुभ कदमों से चलेगी। बस अब तो तय है, इस घर में अगर कुछ आ सकता है तो परेशानी और कलेश। मालिक, छोटे मालिक, क्या मैं काम पे वापस आ सकता हूँ? मालिक, कौन सा काम करना चाहते हैं आप मुंशी जी? बेचारी मजबूर विधवा औरतों को जलाने का काम? संपूर्णा को छिप कर सती कर रहे थे आप, कर रहे थे या नहीं? और जब नहीं कर पाए तो संपूर्णा को घर में रखने से मना कर दिया आपने। बेटा नहीं रहा तो बहू के साथ भी सारे रिश्ते खत्म। ये सही है क्या? कम से कम इंसानियत का तो रिश्ता रख लेते आप। लेकिन नहीं, एक विधवा कैसे जिए, कैसे मरे, कहां मरे, कब मरे, इस निर्णय का भी अधिकार आप ही को चाहिए। संपूर्णा का पति मरा था, ये दुख काफी नहीं था जो जिंदगी जीने का भी हक छीनना चाहते थे आप? छोटे वाले, ऐसा मत कीजिए। छोटे वाले, जवान बेटे की मौत ने मुझे पागल बना दिया था वाले। मैं होश आवाज में नहीं था मालिक, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं। माफ कर लीजिए, बेटा तो पहले ही छीन चुका है मालिक, अगर नौकरी भी छीन लेंगे तो परिवार कैसे पालूंगा। मुझे जी, उठिए प्लीज। आप पल में रिश्ते तोड़ सकते हैं, हम नहीं। आज से काम पर आ जाइए। आपका दिल बहुत बड़ा है छोटे वाले। Thank you.
दीप्ति बाबू, संपूर्णा दीदी तो पूरी तरीके से व्यस्त हो गई है रसोई में। अब तुम भी व्यस्त हो जाओ। मेरे लिए क्या काम बचा है? क्या काम बचा मतलब? बंद तक पढ़ाई करनी है, स्कूल जाना है, याद है ना गांधी जी की बात? हाँ पति बाबू। कल से स्कूल जाओगी तुम। ठीक है। बिहारी काका, ये क्या है? ये अरे गहने हैं, साड़ी है। हाँ पर किसके लिए? तुम्हारे लिए। अरे तुम पहनोगे क्या साड़ी? हमारी बहू के लिए है। वो पितृ शांति की पूजा है ना कल, तो उसके लिए तैयार होना होगा। दरअसल पंडित जी को लगता है कि हमारी हवेली पे कोई अमंगल साया पड़ा हुआ है, इसलिए पितृ शांति की पूजा कराना आवश्यक है। पकड़ो। एक बार पूजा हो जाए फिर जाना विद्यालय। हाँ लाओ। काका काका एक मिनट, ऐसे रोज कोई ना कोई पूजा होती रहेगी, बोलता का स्कूल छूटता रहेगा क्या? अच्छा 7 दिन के लिए वृंदावन जा सकते थे संपूर्णा के लिए बहू को लेके, पर हमने 1 दिन के लिए क्या मांग लिया बहू को, ज्वालामुखी फूट पड़ा। काका, काका पर... ससुर जी मैं करूंगी पूजा, पढ़ूंगी भी और घर के सारे काम भी करूंगी। ये देखो कितनी समझदार है हमारी बहू। अरे सीखो कुछ तुम, सीखो कुछ बहू से। बहू सिखाओ कुछ अपने पति को। बहू देख लेना अच्छे से, हाँ सब ठीक है ना? ठीक है हम जाते हैं। चलो वंदिता मैम सिखाइए। देखो अनिरुद्ध और हमारी बहू तो रीति रिवाज परंपराएं कुछ समझते नहीं है, पर तुम तो समझती हो ना, तुम तो निभाओ अपना विधवा धर्म और सुनो अपनी मर्यादा को कभी लांघना नहीं, ख्याल रहे ठीक है? और ये जो अनिरुद्ध कह रहा था ना कि तुम्हारे पति ने उसके लिए जान देकर उसके सिर पर कर्ज चढ़ा दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ तुम्हारे पति का कर्तव्य था। शास्त्र उठा के पढ़ लो, सदियों से सेवक मालिक के लिए जान देते आ रहे हैं, तो इसमें नई बात क्या है? सिर्फ इतना याद रहे कि अनिरुद्ध ने तुम्हें यहां लाके तुम्हारे ऊपर उपकार किया है। गांठ बांध लो इस बात को अच्छी तरह से और एक अच्छी नौकरानी बनकर इस उपकार का बदला चुकाना, ठीक है? तू रोज चौधरी हवेली जा, इस मौके का फायदा उठा, वहां जाके अपना पैर जमा, ताकि तुझे वहां से हटाना तो तू कहीं हिला भी नहीं सकता। पति बाबू एक बात पूछूं, ये आप क्या कर रहे हैं? वंदिता ये
ग्रैमोफोन्स और ये रिकॉर्ड संपूर्णा के कमरे में रखवाते रहूं। गाना सुनना पसंद है ना उसे, अच्छा लगेगा गाने सुनकर। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है दीदी को। एक बात पूछूं? दत्ता, ये एक बात पूछूं कहकर कितनी सारी बातें पूछ लेती हो, पूछ लो। प्रश्न उठाते रहना चाहिए, ऐसा आप ही तो कहते हैं ना पति बाबू। बिल्कुल सही। वैसे पूजा करना तो मैं समझती हूँ, पर ये पितृ क्या होते हैं? पितृ अंधता, पितृ हमारे परिवार के वो लोग हैं जो हमें छोड़कर भगवान के पास चले गए। जैसे मेरे परदादा, परदादी, दादा, दादी, माँ। माँ, माँ, माँ। क्या हुआ पति बाबू? माँ की याद आ गई आपको? आपकी माँ जी के बारे में आपने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं? मैं तो कितनी सारी बातें करती हूँ अपनी माँ के बारे में। मेरी माँ ये कहती है, मेरी माँ वो कहती है। आप बताओ ना मुझे, कैसी थी आपकी माँ जी? आपको याद आती है उनकी? बहुत याद आती है, क्यों नहीं आएगी। तो ये बताइए, सबसे ज्यादा कौन सी बात याद आती है उनकी? सबसे ज्यादा है था, कोई एक बात हो तो बताओ ना। ढेर सारी बातें, ढेर सारी। जब आंख बंद करता हूं ना, तो सबसे पहले आंखों के सामने माँ की छवि आती है। दौड़ती रहती थी, भागती रहती थी यहां से वहां दिन भर। कभी बच्चों को संभालना, कभी बड़ों की जिम्मेदारी, किसी का खाना, रसोई, मेहमान, सब कुछ। किसी की तबीयत का ख्याल रखती थी तो किसी की जिम्मेदारियों का, सब कुछ करती थी, सब कुछ। चेहरे पर एक मुस्कान लेकर, बिना कुछ कहे। कभी कभी थकती ही नहीं थी। और ये सब होने के बाद अबोनता रात को सबको खाना खिलाकर अपने हाथ से मिष्टी खिलाती थी। और फिर जब सब सो जाते थे ना, उसके बाद थोड़ा सा समय निकालती थी अपने आप के लिए। ठीक से याद नहीं क्या करती थी, पर कुछ कुछ लिखा करती थी शायद। चित्रकारी का बड़ा शौक था उन्हें। रंग, कैनवस और पेंट ब्रश, बस ये तीन चीजें दो उन्हें। उनके हाथ कुछ अद्भुत, कुछ सुंदर बना कर ही रुकते थे। पता है बंदिता, बड़ी कमाल की आदत थी माँ की। कौन सी आदत? हर बात के अंत पे एक तकिया कलाम लगाती थी माँ। कौन सा तकिया कलाम? जानो ना। ना, तभी तो पूछा ना आपसे। अरे नहीं बोंधता, जानो ना उनका तकिया कलाम था। हर बात पे जानो ना, कुछ अच्छा हो तब भी जानो ना,
कुछ अच्छा ना हो तब भी जानू ना। जानो ना, कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ती मैं। बहुत मीठी आवाज थी उनकी, बहुत मीठा गाती थी माँ। रसगुल्ला से भी मीठा? हाँ, रसगुल्ले से भी ज्यादा मीठा। रसगुल्ले की मिठास तो फीकी पड़ जाए उनकी आवाज के सामने। भजन सुनाती थी, लोरियां सुनाती थी, अपनी गोद में सुलाकर हाथ थपथपाकर लोरी गाती थी माँ। अरे बहू, हम बताते हैं तुम्हें तुम्हारे पति बाबू की माँ के बारे में। हमसे ज्यादा भला कौन जानता था उन्हें। बड़ी भली औरत थी, अपने पन से भरी हुई, सबका ख्याल रखती थी और बच्चों से तो खास नहीं था उनको। ऐसे तो हमारी छोटी बहन जैसी थी पर एकदम माँ जैसा रौब दिखाती थी। एक बार हमारी तबीयत बहुत खराब हो गई थी तो एक हफ्ते तक भूखी प्यासी रही। अरे जब तक हम ठीक ना हुए अन्न का एक दाना तक नहीं मुंह में डाला। लोचन दादा बुलाती थी हमें। लोचन दा? हाँ बोलने था। माँ की ना एक और आदत थी, सबको डार्क नाम देती थी। जैसे काका को लोचन दा बुलाती थी वैसे ही पटुक को गोलू बेटा। गोलू बेटा गोल बटोर है ना, इसीलिए। और सोमनाथ नाम होने था, बचपन में जोर जोर से रोता था इसीलिए सोमनाथ को नाम दिया था भोपू। भोपू भोपू दादा, अभी मैं बहुत छोटा था, अगर आज माँ होती ना तो देखती कि भोपू जैसे तो तूर होता है बटुक। अच्छा पति बाबू, आपको क्या कहकर बुलाती थी माँ जी? मुझे रहने तो बनता। बताइए ना, पक्का नहीं हंसूंगी मैं, शक्ति। बताता हूँ, माँ ने मेरा नाम रखा था गोपाल। गोपाल गोपाल, मैं आ रही हूँ तेरे पास।